नवंबर इस दिन को आदिवासी शहीद गोवारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जीरो माइल स्थित आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक स्थल पर आदिवासी बांधव श्रद्धांजलि देकर नतमस्तक होते हैं। इसी श्रृंखला में आदिवासी गोवारी स्मारक स्थल पर आदिवासी बांधव आज बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान पूर्व विधायक परिणय फूके, नगर सेविका परिणीता फूके ने भी आदिवासी गोवारी स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस समाज को न्याय देने की बात बीसी न्यूज समक्ष साझा की। शहीद गोवारी स्मारक बनाने के पीछे दर्द भरी कहानी है। 1994 के नवंबर माह में यहाँ शीत सत्र चल रहा था। 23 नवंबर 1994 को आदिवासी गोवारी समाज अपनी मांग को लेकर मोर्चा लेकर आए थे। उन्होंने शिक्षा व सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की मांग को लेकर मोर्चा निकाला था। इस मोर्चे में करीब 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। उनका शिष्टमंडल तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री मधुकर पीचर से मिलना चाहते थे, लेकिन मंत्री पीचर ने उनसे मुलाकात नहीं की। इससे गोवारी समाज नाराज हुआ और सरकार व मंत्री के खिलाफ रोष व्यक्त करने लगा। इस बीच प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाना शुरू किया गया। प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए, इसलिए भीड़ को तितर बितर करने लाठीचार्ज की गई। इससे वहां भागदड़ मची और इस भागदड़ का नतीजा यह हुआ कि 114 गोवारी शहीद हुए। बाद में मंत्री पीचर ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। शहीदों की याद में जीरो माइल्स के पास स्मारक बनाया गया। आज के दिन आदिवासी बांधव यहाँ आकर शहीद आदिवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बघा, या गुवारी समाजाचं जे आरक्षण मिळवण्याकरता मागील 60 वर्षापासून आंदोलन सुरू आहे। 27 वर्षाआधी म्हणजे 23 नोव्हेंबर 1994 मोठ्या प्रमाणात त्यावेळेस अधिवेशन होतं आणि मोठ्या प्रमाणात पूर्ण महाराष्ट्रातील गुवारी बांधव इथे एकत्रित झाले होते आपल्या मागण्याकरता। पण त्यावेळेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी आदेश देऊन त्या मोर्चावर लाठीचार्ज केला आणि जवळपास 114 गुवारी बांधव शहीद झाले। आणि त्या शहीद बांधव 114 शहीद झाल्यावरही आज 27 वर्ष झाल्यावरही या समाजाला आरक्षण मिळालं नाही। मागच्या वेळेस ज्यावेळेस भारतीय जनता पार्टीची सरकार होती त्यावेळेस या लोकांनी हायकोर्टात केस टाकली आणि हायकोर्टाच्या निकालामध्ये या समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत लाभ मिळाला पाहिजे असा हायकोर्टाने निर्णय दिला। मग त्यानंतर 2019 शिवसेने आणि महाविकास आघाडीची सरकार इथे अस्तित्वात आली आणि त्यांनी या हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील केली आणि सुप्रीम कोर्टात या समाजावर परत अन्याय करण्यात आला। आता आम्ही सुप्रीम कोर्टात परत रिव्ह्यू पिटिशन आम्ही करतो आहे आणि निश्चितच या समाजाला न्याय मिळवून देण्याचं मी कटिबद्ध आहे आणि या समाजाला न्याय मिळवून देण्यापर्यंत मी शांत बसणार नाही। शहीद गोवारी आदिवासी स्मारक स्थल पर पूर्व विधायक परिणय फूके ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान फूके बोले कि शहीद गोवारी समाज आरक्षण के लिए बीते 60 सालों से मांग कर रहे हैं। 27 साल पहले ये दर्दनाक घटना हुई जिसके बाद आज भी ये समाज न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समाज को न्याय मिले इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। 27 वर्षापासून आम्ही आदिवासी गोवारी समाज संघटन महाराष्ट्र नेहमी 23 नोव्हेंबर 1994 जे मोर्चात शहीद झाले सर्व शहीद बांधवांना आम्ही श्रद्धांजली देण्याकरता एकत्र जमतो। परंतु महाराष्ट्र शासनाचे युती शासन असो की आघाडी शासन असो आजपर्यंत आमच्या समाजाच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही आणि मान्य हायकोर्टाने मागण्या पूर्ण केल्या होत्या परंतु सुप्रीम कोर्टात आघाडी सरकार गेल्यामुळे पुन्हा आम्हाला तेच दिवस यावं लागले। जेव्हा गोंड राजगोंडामध्ये कामं टाकू शकतात हे सरकार, तर गोंडगोवारीमध्ये का कामं टाकला नाही? आणि एका कामामुळे एक कामं नसल्यामुळे शासनाची एक चूक शेड्यूलमध्ये झाल्यामुळे एवढं सर्व अन्याय आम्ही सहन करत आहोत आणि त्यामुळे त्याचबरोबर आज या स्मारकाला 27 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि या स्मारकाचीसुद्धा इतकी दुर्दशा आहे, फरच्या तुटलेल्या आहे, रिन्युवेशनला आले आहे, मूर्त्या तुटफूट झालेल्या आहे। कोणतेही शासकीय पदाधिकारी, मिनिस्टर, पालकमंत्री किंवा मुख्यमंत्री किंवा अधिकारी यांचंसुद्धा दुर्लक्ष आहे। मी स्वतः माननीय मुख्यमंत्री यांना या रिन्युवेशनबाबत निवेदन दिले परंतु आजपर्यंत हालचाल झाली नाही। आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक के अध्यक्ष कैलास राउत इन्होंने भी आज शहीद आदिवासी बांधव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी, पूर्व विधायक परिणय फूके, नगर सेवक परिणीति फूके उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज नागपुर।